हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल ऑन बुलेट। गोवा जाने से पहले हम वन डे कोल्हापुर में स्टे करते हैं। हम अराउंड 8:30 कोल्हापुर पहुंच जाते हैं। फ्रेश होके सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी मंदिर जाते हैं। ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है और ये काफी प्राचीन है, काफी यूनिक आर्किटेक्चर है और यहाँ माँ लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भी ब्लैक स्टोन से कार्व किया गया है। कोल्हापुर आओ तो माँ लक्ष्मी मंदिर जरूर जाना। महालक्ष्मी मंदिर के बाद अब हम जाते हैं न्यू पैलेस, जो है छत्रपति शाहू पैलेस। इवन आज भी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज रहते हैं। जैसे कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर फेमस है, वैसे ही न्यू पैलेस यहाँ का आर्किटेक्चर भी काफी अमेजिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे एक म्यूजियम है जहाँ पर काफी अच्छा कलेक्शन है। ये कोल्हापुर का बेस्ट स्पॉट है जहाँ काफी विजिटर्स पैलेस को देखने के लिए आते हैं। यहाँ म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी के रिलेटेड काफी सुपर कलेक्शन देखने को मिलेगा। पैलेस के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से रनकला लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है कोल्हापुर का। ये लेक शाहू छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। ये एक परफेक्ट इवनिंग स्पॉट है लोकल पब्लिक के लिए और टूरिस्ट के लिए। आजू बाजू में चौपाटी है और राजकमल स्पेशल भेल, जिसके हम बात कर रहे हैं, ये कोल्हापुर का फेमस भेल सेंटर है जहाँ पर काफी वैरायटी है। यहाँ की टाइम पास भेल तो बहुत ही अमेजिंग है, क्वांटिटी भी काफी अच्छी और ये काफी सुपर यम है। हमने यहाँ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ से अब हम चलते हैं बासुंदी चाय सेंटर और ये बेस्ट टी स्पॉट है कोल्हापुर का। यहाँ की चाय तो अच्छी है ही, मिल्क भी बहुत ही टेस्टी है। अब हम यहाँ से चलते हैं दावणगिरी लोनी डोसा सेंटर, जो काफी ज्यादा फेमस है। साउथ इंडियन फूड लवर के लिए तो ये बेस्ट स्पॉट है। यहाँ आपको फ्रेश मक्खन का यूज देखने को मिलेगा। लोनी और स्पॉन्जी डोसा यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश है और ये सच में बहुत ही टेस्टी है। अब हम बात करते हैं कोल्हापुरी मिसल पाव, जो काफी ज्यादा फेमस है कोल्हापुर में। बट यहाँ की मिसल पाव बहुत ही स्पाइसी है। नेक्स्ट डे हम गोवा के लिए निकल जाते हैं। कोल्हापुर से गोवा का 4 to 5 hours का रास्ता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।